चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश के मौसम की हाल की, जहां मध्य प्रदेश की जनता को फिलहाल ठंड से राहत मिलने के कोई आसार नहीं है। कपकपाती वाली ठंड के बीच में मौसम विभाग ने शनिवार को 14 जिलों में शीतलहर का अलर्ट जारी कर दिया है। वहीं आने वाले दिनों में कई जगहों पर बारिश के आसार भी है। आज प्रदेश के ज्यादातर शहरों में घना कोहरा छाया रहेगा, जिससे लोगों को परेशानी और बढ़ जाएगी। मध्य प्रदेश के 14 जिलों में आज कोल्ड वेव यानी शीतलहर का अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग ने आज खंडवा, खरगोन, मऊगढ़, छतरपुर, निवाड़ी, दतिया, भिंड, मुरैना, शिवपुरी, पन्ना, टीकमगढ़, ग्वालियर, रीवा और शहडोल में शीतलहर का अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना, छतरपुर, निवाड़ी, मऊगढ़, पन्ना, टीकमगढ़ और शिवपुरी में मध्यम और घना कोहरा छाने का अनुमान भी जताया गया है। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक 28 और 29 जनवरी को जबलपुर संभाग के जिलों में बूंदाबांदी और हल्की बारिश होने की संभावना है। पश्चिम उत्तर भारत के ऊपर एक पश्चिमी विक्षोभ का असर है, उसके वजह से अभी टेम्परेचर और क्लाउडिंग थोड़ी बढ़ेगी, लेकिन दो दिन बाद इसके क्लियर होने के बाद फिर बादल छट जाएंगे और मिनिमम टेम्परेचर फिर से गिरेंगे, तो सर्दी थोड़ी और बढ़ने की संभावना है। अभी भोपाल का मिनिमम देखें तो बढ़ के 9 से बढ़ के 10 पे आ गया, तो कम्फर्ट जोन पर आ गया। ठंड जो है थोड़ी सी इम्प्रूव हो रहा है टेम्परेचर, और आगे भी ऐसे ही बना रहेगा। और दो दिन बाद कभी अपना पूर्वी मध्य प्रदेश में कहीं कहीं छुटपुट बूंदाबांदी होने की संभावना।